हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाय सेलिंग योर फोटोज, चाहे आपने अपने फोन से या DSLR से फोटोज लिए हुए हैं, आप उनको कैसे बेचेंगे और उन्हें बेचकर ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएंगे। देखो, सीधी सी बात यह है, जितना इजी इस चीज को बताया जाता है, रियलिटी में थोड़ी सी अलग है। आप लोग ये वाला वीडियो पूरा देखो, मैं रियलिटी में हर एक चीज को समझाता हूँ विद सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट, जहां पे आप अपने फोटोज को बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं तो स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा। वैसा से अगर आपको इन चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है, आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लाइक करने का रीजन ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी डेली रील्स आने वाले हैं जो आपको काफी पसंद आने वाले हैं। इस वाले वीडियो में स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में बात करूंगा। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके बिहाफ पे आंसर करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक फोटोग्राफी? देखो, स्टॉक फोटोज का मतलब ऐसा होता है कि वो फोटोज जो कोई भी इंसान लाइसेंस कर सकता है अपने यूज के लिए, क्रिएटिव यूज के लिए, चाहे पर्सनल हो, कमर्शियल हो। अब काफी सारे केसेस में ये फोटोज इजीली आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं, फ्री रॉयल्टी फ्री फोटोज। काफी सारे केसेस में आपको पे करना पड़ता है, और जो लोग पे करके ये फोटोज खरीदते हैं, अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर है जिन्होंने वो फोटोज को उन वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है और अगर वो सेल होती है तो आपको वहां पे एक कमीशन मिलती है उन वेबसाइट के द्वारा जहां से आपके फोटोज की सेल होती है। दूसरा सवाल, कैन यू रियली मेक मनी बाय सेलिंग योर फोटोज ऑनलाइन? सिंपल जवाब, यस। ये कोई स्कैम नहीं है। यहां पे आप फोटोज खींचते हैं, अच्छे जो फोटोज होते हैं वो आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे। जब वो बिकता है तो आपको कमीशन मिलता है। बहुत सिंपल चीज है। तीसरा सवाल, क्या इसे कोई भी कर सकता है? नहीं। सीधी सी बात है भाई, हर एक चीज में स्किल की जरूरत होती है। अगर आप में स्किल नहीं है अच्छे फोटोज लेने की, अगर आप में वो क्रिएटिव वाली जो चीज होती है वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप फोटोज नहीं ले पाएंगे, और नहीं ले पाएंगे अच्छे फोटोज तो बिकेगा। तो इसका मतलब अपलोड हर कोई कर सकता है पर बिकने वाले नहीं है फोटोज। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यू डेफिनेटली नीड स्किल्स। अगर नहीं आता ये चीज करना, ऑफ कोर्स यू कैन वर्क ऑन द स्किल, इंप्रूव एंड देन डू इट। बिना किसी स्किल या टैलेंट के कुछ नहीं होने वाला। चौथा सवाल, कैन यू टेक फोटोज ऑन योर फोन एंड देन सेल इट? मे बी। देखो, ये चीज डिपेंड करेगी फोटो की क्वालिटी के ऊपर, आपने किस तरीके से क्रिएटिवली फोटो लिया है, कितना वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है चीजों को, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो कितना है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, काफी सारी वेबसाइट हैं जो फोन के द्वारा लिए गए फोटोज को भी एक्सेप्ट करती हैं, अगर वो जो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, अगर वो मीट करता है तो हाँ, जिन लोगों के पास में कैमरा नहीं है पर अच्छा फोन है, वो डेफिनेटली ये चीज कर सकते हैं। पांचवा सवाल, कैन यू अर्न 1000 रुपीज पर मंथ, जो आपको थंबनेल में भी नजर आया? देखो, ज्यादातर स्टॉक फोटोग्राफर्स $1000 से ज्यादा हर महीने नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसे कि आपकी स्किल्स, आपने किस नीच पे फोकस किया हुआ उन फोटोज को, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर फोटोज, वेबसाइट और वेबसाइट यू आर यूजिंग, कितना कमीशन आपको ये वेबसाइट्स देती हैं, आप ट्रेंड का कैसे एडवांटेज लेते हैं, उन चीजों पे भी काफी चीजें डिपेंड करती है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस जिनके ऊपर आपकी जो कमाई है वो डिपेंड करती है। सीधा सा मतलब यह है कि इन चीजों पे अगर आपने स्ट्रांगली फोकस किया, ऑफ कोर्स 1000 क्या, आप 2000 10000, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो $15,000 से $25,000 हर महीने कमाते हैं विद ओनली एंड ओनली स्टॉक फोटोग्राफी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो करें ऑन ऑल द टिप्स जो आपको हेल्प कर सकती है टू बी अ सक्सेसफुल स्टॉक फोटोग्राफर, अगर आपकी फोटोज ऑलरेडी अच्छी हैं, तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आई कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट वीडियो। छठा क्वेश्चन, क्या आपको स्टॉक फोटोग्राफी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से मे बी। देखो, अगर आप में वो स्किल है, अगर आप फोटोज अच्छे ले सकते हैं, अगर आपके पास में डिवाइस अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप में ये चीज नहीं है, तो फर्स्ट आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, लर्न द स्किल, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, देन गेट इनटू इट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली ट्राई, अगर आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। पर अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि आप इसमें बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, काफी अच्छा स्कोप है, ये है वो है, और बाकी चीजों के ऊपर आपने फोकस नहीं करा है, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाली है, आपका टाइम डेफिनेटली वेस्ट होने वाला है, तो मत करना। अगर इस चीज को समराइज करूं, तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर होने चाहिए, उसके अलावा आप एक गुड लर्नर होने चाहिए, और आप में काफी सारा पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि यहां पे सीधी सी बात यह है, आप फोटोज अपलोड करते हैं और भूल जाओ, आप अच्छा काम करते रहते हैं, आप ट्रेंड को समझते हैं, काफी सारी चीजों को समझते हैं, उसके हिसाब से काम करते रहते हैं, और आपका जो पैसिव इनकम है पीछे से वो होता रहता है। क्योंकि डायरेक्टली तो आप कहीं पे भी लिंक शेयर करके इनको बेचने वाले हैं नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है, विच इज समथिंग कंप्लीटली अमेजिंग। अगर आप पैसिव इनकम की बात करते हैं, इट्स एन अमेजिंग सोर्स, अगर चीज अच्छे से होती है तो। सातवां सवाल, व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट जहां पे आप अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं और पैसे कमाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें कैसे काम हो रही, कैसे नहीं हो रही। देखो, सीधी सी बात, पहले तो ये है कि हर एक वेबसाइट के अलग अलग सबमिशन क्राइटेरियाज होते हैं, उन चीज को डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि क्या क्या चीज हो रही, कैसे हो रही, उसके अलावा क्या क्या कमीशन वो लोग देते हैं, वो काफी अलग अलग है। अगर आप लोग चाहें तो एक वीडियो जरूर कर सकते हैं जहां पे मैं
कंपैरिजन करूंगा इन अमेजिंग स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स के बारे में, ताकि आपको पता लगेगा कौन सा कैसा अच्छा है, किसमें क्या चीज बुरी है, क्या अच्छी है, उन सभी चीजों के बारे में। और तीसरी चीज ये है कि आपका जो सबमिशन है या एक्सेप्ट होते हैं फोटोज, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। तो किसी वेबसाइट में अगर एक फोटो रिजेक्ट होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी वेबसाइट में एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू यूज मल्टीपल वेबसाइट, एक वेबसाइट पर फोटोज अपलोड करके मत रुक जाना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग टर्न ऑफ फॉर यू, क्योंकि जो आपके कन्वर्जन के चांसेस हैं, सेल होने के चांसेस हैं, वो आप काफी डिक्रीज कर देंगे। मेक श्योर यू आर रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, क्योंकि कुछ वेबसाइट के लिए ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप उनके यहां पे जो फोटो आपने अपलोड किया है वो और कहीं पे नहीं कर सकते, दैट हैज टू बी एक्सक्लूसिव। मेक श्योर यू आर रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इन डिटेल। हां जी, तो कुछ जो बहुत ही पॉपुलर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, वो है गेटी इमेजेस, शटरस्टॉक, आईस्टॉक, अलामी, 2020, डिपॉजिट फोटोज, ड्रीम्स टाइम, आई एम, ग्रेस्टॉक, 123RF, 500px, टॉक्सी, अडोबी स्टॉक, पोर्टोलिया एंड फोटो ड्यूल। इनके अलावा भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर ये काफी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, बाद में आप मल्टीपल वेबसाइट पे वैसे भी अपलोड करना चाहे कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के माध्यम से मैं यही कुछ बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा क्लियर करना चाहता था, अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही देखूं उसको उसका रिस्पॉन्स जरूर करूं। काफी सारे लोगों के मैसेजेस पेंडिंग है, बट आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरीवन, अगर वो सिर्फ हाई नहीं है तो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड इफ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, तो इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो बोले ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।